तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आपको भी रेमनी एप्लीकेशन पर बार बार एड शो कर रही है तो गाइस आप एड्स को बंद कैसे कर सकती है। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइस आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेमनी एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि गाइस आपने फोटो को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और गाइस आप उसे यहाँ पर क्लियरेंस वाले यहाँ पर ऑप्शन में आप सेट करके गाइस आप उसकी क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस यदि गाइस आपकी रेमनी एप्लीकेशन में एड्स को बंद करना चाहते हैं तो गाइस आप एड्स को बंद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले तो गाइस आपको अपने मोबाइल में रेमनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस वाले फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इनहेंस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर इनहेंस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको एक ऐड शो करेगी। तो गाइस आपको इसी एड्स को यहाँ पर बंद करना है। तो गाइस आप इस एड्स को बंद कैसे कर सकती है, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगे आपको यहाँ पर वेट कर लेना होता है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ टाइम लिए वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस ऊपर की साइड आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस आपकी जो ऐड है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। पर गाइस आप इस ऐड को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फोटो को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने फोटो को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद जैसे गाइस आप यहाँ पर ऊपर वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पर करते हैं तो यहाँ पर गाइस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से गाइस आपको यहाँ पर ऐड शो करेगी। तो यहाँ पर गाइस बार बार आपको यहाँ पर ऐड शो कर रही है। तो यहाँ पर गाइस आपको इन एड्स को यहाँ पर बंद करना है। तो गाइस आप इन्हें बंद कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर गाइस मैं इस एड्स को यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना होता है। तो यहाँ से गाइस मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गाइस रेमनी एप्लीकेशन पर एक लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है और यहाँ पर देखिए आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल डेटा को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं ऑल डेटा को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स यहाँ पर रन करें उन सभी ऐप्स को यहाँ पर रिमूव कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रन कर रहे थे उन्हें सभी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही मैं सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने पर गाइस आपको यहाँ पर एक सेटिंग शो करेगी कनेक्शन एंड शेयरिंग की। तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन शो करेगा प्राइवेट DNS। तो यहाँ पर गाइस प्राइवेट DNS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये सब गाइस आपको यहाँ पर ऑफ पर टिक होगा या फिर गाइस ऑटोमेटिक पर टिक होगा। तो यहाँ पर गाइस नीचे वाले प्राइवेट DNS प्रोवाइडर वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो प्राइवेट DNS जो एक मैं आपको बता देता हूँ उस DNS को यहाँ पर गाइस पेस्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए इस DNS प्राइवेट को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेम इस DNS को यहाँ पर फिलअप कर लेना होता है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपका जो DNS है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके जो यहाँ पर रेमनी एप्लीकेशन में कोई भी ऐड जो है वो यहाँ पर शो नहीं करेगी गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर रेमनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से गाइस आपको यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक गाइस आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस जब इसके ऊपर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम के लिए सर्चिंग लेगा। फिर गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने को बोलेगा। तो गाइस आपको इसे बाय नहीं करना है, ऊपर से क्रॉस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर गिव एक्सेस टू फोटो। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक्सेस देने को बोल रहा है। तो आप इसे एक्सेस दे सकते हैं या फिर इसे डू इट लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं एक्सेस दे देता हूँ। फिर गाइस आपको यहाँ पर परमिशंस को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद कोई भी एक फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हेल्प अस इम्प्रूव योर आवर एप्स। तो गाइस आपको यहाँ पर एग्री नहीं करना है, इसे गाइस कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऐड शो नहीं करेगी। फिर गाइस आपको यहाँ पर इनहैंस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इनहैंस्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हमें यहाँ पर ऐड शो कर रही थी, अभी यहाँ पर ऐड शो नहीं कर रही है गाइस। तो यहाँ पर गाइस आपका जो कुछ टाइम लगेगा आपको यहाँ पर वेट करना है। फिर गाइस आपका जो फोटो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
फिर गाइस आपको यहाँ पर इस फोटो को क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस जो देखिए गाइस आपका जो फोटो है वो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। पर गाइस हमें यहाँ पर कोई भी ऐड भी शो नहीं करेगी गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारी जो ऐड है वो यहाँ पर रिमूव हो गई है गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आप भी रेमिनी एप्लीकेशन में अपनी जो एड्स है उन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं तो गाइस कुछ स्टेप से आप भी रेमिनी एप्लीकेशन में एड्स को रिमूव कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस ताकि ये जनरली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रही। थैंक यू गाइस।